विंडो जी, यह है टोयोटा विट्स। आज ये गाड़ी हमारे पास इसलिए आई है क्योंकि इसमें गैस नहीं थी और इसका रेडिएटर और कंडेंसर भी साफ़ होने वाला था, इसलिए हम आज इसका कंडेंसर बाहर निकाल लेंगे, उसकी लीक चेक करेंगे और रेडिएटर भी जो है वो बाहर निकाल कर साफ़ करेंगे। उसके रेडिएटर के पाइप काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल के बाद मतलब फायर पाइप निकले हैं। ले जी, रेडिएटर तो बाहर आ चुका है जी, अब बारी है इसके कंडेंसर को ओपन करने की, उसकी लीक चेक करने की। पहले हम कंडेंसर को वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसकी लीक चेक करेंगे। लीक हमने चेक कर ली है जी और लीकेज इसकी बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम कंडेंसर का जो एक्यूमुलेटर फिल्टर है उसको रिप्लेस करेंगे। अभी कंडेंसर में नया फिल्टर अभी लगा रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका फिल्टर हम रिप्लेस करेंगे। रेडिएटर की कंडीशन आपके सामने ही है जी, ये देखें जंग वाला पानी इसमें से निकल रहा है। इसको सारी जालियां सीधी करेंगे और इसको प्रॉपरली वॉश करेंगे। रेडिएटर का ऊपर वाला हमने टैंक उतार दिया है ताकि इसके जो अंदर नालियां हैं उनमें से भी पानी क्रॉस करवाएं, उसको भी क्लीन करें। अभी रेडिएटर को क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद इसकी असेंबलिंग है। जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, शदीद गर्म चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 प्लस टेम्परेचर चल रहा है, 40 to 45, 44, तो इसमें आप अपनी गाड़ी के रेडिएटर्स का ख्याल रखा करें। अगर आपकी गाड़ी का रेडिएटर साफ़ नहीं होगा तो आपकी गाड़ी हीट भी होगी और गाड़ी का एसी भी प्रॉब्लम करेगा।
रेडिएटर फिट हो चुका है जी, अभी कंडेंसर फिट कर रहे हैं, उसके बाद इसको इंशाल्लाह गैस रिचार्ज करेंगे। लीकेज ट्रेस हो गई थी, इसके रबड़ के जॉइंट ख़राब थे।